नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ अलग स्टेट में, सीजी छत्तीसगढ़ में हूँ। और छत्तीसगढ़ में CKG9 प्लांटेशन किया गया है और लगभग मेरे हिसाब से लगाने के डेट वगैरह तो किसान मित्र बोलेंगे, लेकिन पौधा जर्मिनेशन जो है वो पूरा 100% जर्मिनेशन है, क्योंकि किसान एक अलग थीम पे यहाँ पे अपने साथ चल रहे हैं, जो लाइन से लाइन 7 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट है। इसमें बेड बनाकर केला लगाया हुआ है, तो आप अगर देखोगे तो हर पौधा एकदम बढ़िया तरीके से ग्रोथ लेकर चल रहा है। इसकी लगाने की डेट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और किसान से भी मुलाकात करवाता हूँ। थोड़ा आली का प्रकोप वगैरह था, कहीं कहीं गलतियाँ किसान कर देता है, केले में इतना छोटा हुए होते हुए भी मिट्टी चढ़ा दी है। आइए पूछते ही इसका रीजन क्या है। बेड पे केला लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे यील्ड लाने का जो हम लोगों ने ठान के रखा हुआ है कि एक एकड़ में 40 टन उत्पादन कैसे आए, इसके आगे हम लोग जो थीम और रेसिपी बनाकर किसानों को दे रहे हैं, शायद उसमें किसानों को फ़ायदा भी होगा और रिजल्ट तो मिल रहा है, क्योंकि 100% जर्मिनेशन इतनी ठंडी में और शायद लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ होगा। आइए किसान से पूछते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? मैं नंद कुमार साहू, गांव मेरा खपरी है, तहसील धमदा है, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़। ओके, ये पौधा कौन सा लगाया हुआ है आपका? ये CKG9 है। ये कब का लगा हुआ है? ये है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर, देखिए 13 दिसंबर मतलब के 8 जनवरी, 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में लगभग पौधा अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा सेंटर पोंगा भी आया हुआ है और ड्रिंचिंग और स्प्रे शेड्यूल भी हो रहा है। केला गुरु का भी हो गया है। केला गुरु वहाँ से करते हो क्या सारी चीज़ें? हाँ वहाँ से। हाँ चलिए वहाँ पे भी चलते हैं। लगभग अभी जो थीम आपने ये यूज की हुई है 7x, ये 7x6 है। ओके, लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधे की 6 फीट। हाँ, दूरी। हाँ, मतलब लगभग जो एक एकड़ में 40 टन का एवरेजली उत्पादन आना चाहिए, उस थीम के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन थोड़ा बहुत सर ये जो मिट्टी लगाई है ना आपने केले को, ये नहीं लगाना है। ये वाली केला जो है ना, अभी केले में ये बेड होना चाहिए, ये वाला अभी इस अवस्था में केले में बेड अगर समझे ना तो केला इतना ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये केले का बेड है ना। ड्रिप यहाँ पर जो भी है आपको लगता है, केला देखो एकदम खिलखिलाएगा। ये पत्ते भी अपन ने जो दबा दिए ना, देख रहे हो एकदम बढ़िया दिख रहा है। ये भी देखो, ये हर केले के पास आपने ये क्यों किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन केले को मट्टी नहीं लगाना है। बाद में एक बार पौधा लगा कि केले में मट्टी नहीं लगाना है। ये बेड एकदम बढ़िया किया हुआ है आपने, केले के बस हो जाए, तने को हवा लगनी चाहिए। दोनों पौधों में बाकी पौधों के तौर पे अभी दिख रहे हैं कि मैंने पौधे लगाए हुए हैं। अभी ये पौधा देखो, ये जीवित रहने का प्रयास कर रहा है, फिर भी से वो है ना। हर पौधे में मैं पौधे से जहां से देता हूं ना वहां से बात करता हूं। ये देखो, ये पत्ता हम लोगों ने ही गाड़ा है। ये अगर आज जीवित रहता तो ये पत्ते फोटोसिंथेसिस करते और पौधे को न्यूट्रिशन जो चाहिए वो ले पाता। आप कुछ भी डालो, पौधे में पत्ते अगर अच्छे रहेंगे, ये चीज अगर रहेगी ना तो बढ़िया होगा। पौधा देखने के लिए अच्छा लग रहा है। आपके सामने ये पौधा देखिए, अभी ये गड़ा हुआ है,
इसको आपको लगेगा कि इसको गाढ़ा हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन पौधा जब ऐसा रहेगा ना, ये चीजें हैं, ऐसे आप काम करोगे, ये ड्रिप यहाँ पर अभी लग रहा है, अभी पौधा नहीं दिख रहा था यहाँ पे, ये भी पौधा वैसे ही। चलो वैसे ही, हर एक पौधा जर्मिनेशन के लिए, एक्चुअल मट्टी लगाने का कोई काम नहीं है, नहीं हम लोग लगाते नहीं है, मगर वही बेसल दिया था ना उसको ढकने की आवश्यकता नहीं है। बेसल भी जब दोगे ना, अभी जैसे बेसल के लिए ढका है, ये पौधा चल नहीं पाएगा, मर जाएगा, डंपिंग हो जाएगा। ये बेसल जो दिया ना, ये ड्रिप है ना, यहाँ पे बेसल डाल दो ना, उसमें दिक्कत क्या है, चल जाएगा। अभी के अभी पौधा जीवंत दिखने लग गया ना, नहीं जैसे को बेसल डाल के उसको हटाएंगे तो काम करेगा ठीक है। ड्रिप है ना, जैसे फ्लैट है, ये कर दिया हम लोगों ने फ्लैट, अभी बेसल डोज फर्स्ट आया आपका, आप समय पे काम कर रहे हो इतना मुझे पता है, तो बेसल डोज जब यहाँ पे देना है तो यहाँ पे ऐसा लंबा लंबा डाल दो ना, बेसल डोज पहले ही आप रेसिड्यू बना रहे हो। वो थोड़ी बोल रहा हूँ, जैसे कि वो डल गया है उसको फिर से और डालें कि कोई जरूरत नहीं है, इतना मट्टी तो नहीं लगाना। आप जो बोल रहे हो कि बेसल डोज लगा के मैंने मट्टी लगा दी है तो वो गड़बड़ है, पौधे को गाड़ दिया है अभी, ये देखो ये, तो वैसा नहीं करना है। और बेसल डोज आपको जो लगता है कि मट्टी में गाड़ना चाहिए उतनी आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली ये ड्रिप चल रहा है तो यहाँ पे भी डाला ना बेसल डोज, ये ड्रिप के पास में ऐसा, तो पौधा ये पानी उसके ऊपर टप टप गिरता रहेगा तो उसका रसा नीचे जाएगा, पौधे की रूट रहेगी ही, मट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि जो डाल दिए हैं वो काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर करेगा ना, करेगा, हटा देंगे करेगा। अभी कहाँ पे बेसल डोज डाला हुआ है मुझे यहाँ दिखाइए आप, जैसे यहाँ आपने मट्टी लगाई है, अभी यहाँ पर चारों तरफ ना ऐसे गोला गोला काट के डाले हैं। अभी कुछ मत करो, जो किया हुआ है उसको वैसे के वैसे रहने दो, पौधे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें डेली पर डे 1-2 घंटा पानी चलाना है जी, पर डे, नहीं तो 4 घंटे चलाओगे 3 दिन बंद, वो गड़बड़ है। केले में पर डे पानी देना है, ताजा पानी चाहिए, ताजा पानी डेली देना है, और बेड काफी अच्छे तरीके से आपने गिराए हुए हैं, ठीक। अभी जो हुआ है, लेकिन जो पौधे ऐसे पूरे ढके हुए हैं ना, तो बेसल डोज जब डोज जब देते हो, भले ही आपने उसको रेसिड्यू फ्री बनाया हुआ है, उसमें रासायनिक जो बाउंडिंग होते हैं, जो केमिकल्स वो बाहर फ्यूम देता है, तो ये पत्ते जला देता है, देखो ये 2 पत्ते तो ऐसे भी जल गए ना, है ना। तो ये नहीं करना है, कभी भी बेसल डोज देते समय पौधे से दूर गोल रिंग बनाकर भी दे रहे हो तो ऐसा देना है, तो देना कैसे है ये देखो, ये इसमें ऐसा किया उंगली से कि इसमें डाल दो ना बेसल डोज, और इसको दबा दो ऐसे, हो गया, पानी से ऑटोमेटिकली वो लीचिंग में हो जाएगा, इसको हटा देंगे मिट्टी को सभी, है ना। ये अभी ऐसा भी किया ना आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये गीले से पौधे में लगेगा ही, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ना वैसे करा दो, ये अब उतना दूर तो जाएगा ही, है ना। अभी ये गीला तो रहेगा ही, लेकिन ये यहाँ ये टेम्बुल बना के रखा है ना, उससे रिजल्ट नहीं, अपने यहाँ से अगले साल 1 एकड़ में 40 टन केला कटना चाहिए, मतलब कटना चाहिए 1250 पौधे, 40,000 किलो डिवाइड बाय 1250 कर लो तो एक लुंगर में 35-38 kg का लुंगर लटकना ही चाहिए, तो मेहनत करने में अपने को अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं। मेहनत सही दिशा में करोगे तो मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक। चलिए केला गुरु किट वगैरह भी आप ले रहे हो और लगा के रखा हुआ है, तो जर्मिनेशन तो हुआ है आपका, इतनी ठंडी गिरी है तब भी, ठीक है, तो मर कहीं कहीं पर लगा है पूरा सक्सेस हुआ, वैसा आप इसको देते रहो। ये जो थीम है आरके सर अपना सीखे, एक ट्रे 40 का और कप में व्हाइट आ सकता है कभी, या फिर ये आएगा, दोनों में ये सिंबल है, बिल के ऊपर सीके लिख के आना चाहिए, नहीं तो इस साल कई कंपनियों ने और ये थीम को अपना लिया है,
है ना, कई कंपनियां अभी सीखी गई, पिछले वीडियो अभी आने शुरू हो गए है ना, तो वीडियो की वजह से मार्केट में ऐसा पौधा मिल रहा है, लेकिन बिल के ऊपर सीके लिख कर आना होना चाहिए, कोरोलरी किसान G9 प्लांट, तो वही मैंने ट्रीट किया हुआ है, मेरी टीम ने ट्रीट किया हुआ है, अन्यथा बाहर से लेने के बाद उनसे ही पूछना है आपको, ठीक है। यहाँ पर केला गुरु का ये ड्रिंचिंग भी किया हुआ है और स्प्रे भी किया हुआ है ना। हाँ, स्प्रे का बॉटल वहाँ पर, केला गुरु डालने के बाद में रिजल्ट मिला नहीं? दो दिन से जो पौधा खिल दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। हाँ, दो दिन पहले कुछ अलग दिख रहा था। हाँ, दो ही तीन दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। केला गुरु किट के मैं बात करूं तो अंदर ये चीजें आती है और ये बोतल आती है 25 ml की, जो इसमें आपको पता चले तो एक 250 लीटर पानी में या 200 लीटर पानी में इसको डाल के स्प्रे में आप ले सकते हो, जैसे 13-40, 13-19-19 कोई फंगीसाइड अल्ली वाला, जो पहली बार 27 से 21 दिन में जो स्प्रे लेना है 15 दिन के बाद वो इसका लेना है, ये डबी का। आप देखोगे तो ये छोटी डबी आएगी, ये इसमें ही डाल के आती है, दूसरा पाउच भी होगा ना यहीं पे, है ना, ये इसमें ही डालकर आती है, ये केला गुरु इसमें पैकेट आता है, ये पाउच आता है। बाकी शेड्यूल के अनुसार आज 1.5 महीने के हिसाब से पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पाथ है, थोड़ा सा यही थोड़ी गलती हुई है कि जर्मिनेशन नॉर्मली मेरे हिसाब से पूरा है। हाँ, पूरा है। एक 50-100 पौधा जो वो रखे थे वो ऐसी को ऐसी रखा है। हाँ, गैप फिलिंग के लिए रखा था उसको। हाँ, तो अभी इसको करो क्या कि 1.5 महीने बाद ये जो पौधा है इसको करना क्या है, ये वालों को, क्योंकि कई जगह पे पौधे खत्म हो गए है ना, अभी इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसको करो क्या, इन पौधों को पानी दो, ये देखो ध्यान, मतलब के पूरा ही ये करके रखा हुआ है, ये देखो है ना, तो इनको तो सबसे पहले पानी दो, रहने दो, पानी डाल दो, पानी दे दो। और इसको करना क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, पौधे में ग्रेडिंग का जो ये होता है, पानी लाइए आप मेरे पास, बॉल अभी भी जीवंत है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप देखोगे तो ये पौधे खिल जाएंगे। और वो सूख जाएगा, वो उसको मत निकालो, इसको मत निकालो, सूख जाएगा पूरा। ओके, लेकिन इसको पानी और ये दे दो, मेरे हाथ से मैं देकर जाता हूँ मेरे पौधों को, इसके तरफ ध्यान रखो है ना, ये पौधा मतलब यहाँ तक पहुँचने में एक पौधे की कीमत क्या पड़ी है आपको भी पता है। हाँ, है ना, तो उसकी तरफ ध्यान रखो, इसके ऊपर थोड़ा सा 19-19 वगैरह का स्प्रे लेना है बाद में, और पौधे को थोड़ा सा हल्की छाव धूप वाली जगह पर रखो, ये एक ही दिन में, क्योंकि पानी ही नहीं दिया हुआ है इसको, हल्का पल्का डेढ़ महीना नीचे रखने के बाद भी आरके सर आप अगर देखोगे, डेढ़ महीना इस पे ध्यान ही नहीं है, डेढ़ महीना ध्यान ही नहीं, उसके बाद भी देखो उसका क्वालिटी, उसमें नया जड़ पानी ही नहीं है ना, ये देखो हो गया, पौधा ही है ना। हाँ, ये कर ये ऐसे ही दे देते हैं कंपनी, लेकिन आपके खेत में आपने बुला कर रखा हुआ है, तो ये पौधा मतलब इसको लाइव फीड दो, फीड नहीं दिया है, नहीं तो ये पौधे में मैच्योरिटी आती और ये पौधा अच्छे से चल पाता। केला गुरु का कोई ये पाउडर होगा ना तो वो दे दीजिएगा उसमें। हाँ, ये कैरेट मतलब 40 पौधे है इसमें। ओके,
ठीक है आर के सर।